हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 के थर्ड चैप्टर ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी आपको पीडीएफ वीडियोस के थ्रू सेंड कर दिया गया है, आप लोग उसको पढ़े होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का जो थर्ड चैप्टर है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स में जो खाने का आदत होता है, तरीका होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे वार्म अप में कि मेक अ लिस्ट ऑफ 4 स्ट्रीट एनिमल्स, 4 स्ट्रीट एनिमल्स का लिस्ट बनाना है और जो फूड वो खाते हैं, ठीक है, उसके उसको लिखना है। जैसे कि एनिमल है, यहाँ पे एनिमल का नेम लिखना है, जैसे काऊ है तो काऊ का फूड क्या है, क्या खाता है काऊ, ग्रास खाता है, डॉग, कैट, आपको जो भी एनिमल, आपको स्ट्रीट एनिमल्स जो होते हैं, जो आपको मिलते हैं, उनको लिखिए और उसके फूड का नाम आप लोग लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि प्लांट, हमें पता है कि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना अपने बॉडी के अंदर अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स, और एनिमल्स जो है वो प्लांट खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यही करते हैं ना। उनका भोजन क्या होता है, उनका फूड क्या होता है, या तो वो प्लांट खाते हैं या फिर एनिमल्स खाते हैं, यही होता है ना। तो हम सारे लिविंग थिंग्स को, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्या चाहिए, उनको जीने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए फूड तो चाहिए, फूड चाहिए, पानी चाहिए, बिना फूड के तो कोई जी ही नहीं सकता, सबको फूड चाहिए लिव करने के लिए। और फूड क्या करता है, फूड क्यों खाते हैं हम लोग, फूड हम लोग को कोई भी काम करते हैं, हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए हमें फूड चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग स्कूल में भी आते हैं तो फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं तो फिर काम चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे लंच का टाइम स्टार्ट होता है तब तक हमारी बॉडी का सारा एनर्जी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद से फिर पढ़ाई में भी बनने लगता है, ऐसा लगता है कि कब लंच हो जाए, फटाफट लंच हो जाता है, तो फिर लंच करते हैं, फिर क्या होता है, फिर आप लोग लंच करते हो और फिर बॉडी में पूरा एनर्जी आ जाता है, फिर उसके बाद से आप लोग खेलना कूदना मस्ती करना, टीचर्स को परेशान करना स्टार्ट कर देते हो, यही करते हो ना जब खा लेते हो, तो लंच कर लेते हो, तो जब भी खाना खा लेते हो तो फूड जो है, हमें फूड से हमें एनर्जी मिलता है कोई भी काम करने के लिए, एनर्जी भी मिलता है। कुछ फूड्स होते हैं जो एनर्जी गिविंग होते हैं, कुछ हेल्दी फूड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें डिजीज से भी प्रिवेंट करता है, डिजीज से भी बचाता है। तो क्लास 2 में आप लोगों को बताया गया था कि टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, जो जैसे कुछ एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव फूड होते हैं ना, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये जो क्या होते हैं प्रोटेक्टिव में आते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन से एनिमल्स किस टाइप का फूड खाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ये भी आप लोग को पता है, ये भी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, और ऐसा है कि जैसे रिवीजन के जैसे है, और रिवीजन के आप लोगों को करना है, आप लोगों को तो पहले से पता है कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स किसको बोलते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स किसे बोलते हैं, ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस बारे में और डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। तो भी आप लिखा है टाइप्स ऑफ एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट एनिमल्स, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, अलग अलग जो जानवर होते हैं, अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं, और उनके खाने के हैबिट में, उनके खाने के हैबिट से हम लोग इसको कुछ ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है एंड स्कैवेंजर्स है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स, इस ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। तो अब देखेंगे हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं। हर्बीवोर्स मतलब होता है शाकाहारी, वैसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या है, काऊ है, हॉर्स है, गोट है, शिप है, एलिफेंट है, ये सब क्या है, ये सब प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ये लोग क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, घास पत्ता ये सभी खाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट खाते हैं उसको हर्बीवोर्स तो बोलते ही हैं, लेकिन इनको एक और नाम से बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट खाते हैं इसलिए प्लांट ईटिंग, प्लांट खाने को प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलेंगे। जो एनिमल प्लांट खाते हैं उनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं और हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो ईजी है ना, प्लांट खाते हैं तो प्लांट ईटिंग, और इसको और एक और नाम क्या है, हर्बीवोर्स, जिसका मतलब होता है शाकाहारी। नेक्स्ट जब हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट जो है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स किसको बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं वैसे एनिमल्स को जो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। फ्लैश मतलब होता है मांस, जो एनिमल्स मांस खाते हैं उनको बोलते हैं फ्लैश कार्निवोर्स।
या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, क्योंकि फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए उनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं, मांस खाने वाले जानवर बोलते हैं। एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वैसे एनिमल्स जो कि मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स के, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, सच सम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ यहाँ पर, जैसे लिजार्ड है, छिपकली, वुल्व्स, क्रोकोडाइल्स, लायंस, टाइगर्स, फॉक्सेस, ये सब क्या है? सब फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। प्लांट खाने वाले को हर्बीवोर्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और फ्लैश खाने वाले को फ्लैश ईटिंग या फिर कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके हर्बीवोर्स के भी एग्जांपल आप लोग याद कर लेंगे, कार्निवोर्स के भी एग्जांपल आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर मतलब क्या होता है? ओमनीवोर्स मतलब होता है सर्वाहारी। जैसे हर्बीवोर्स मीन शाकाहारी, कार्निवोर्स मतलब होता है मांसाहारी, और ओमनीवोर्स होते हैं सर्वाहारी। मतलब कि वैसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, मतलब कि पेड़ पौधा भी खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और क्या, और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स या फिर एनिमल्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, जैसे कि बियर। देखो आप लोग को याद होगा कि ओमनीवोर्स जो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों खाएं उनको, उसके एग्जांपल जैसे बियर है, भालू। भालू क्या होता है? भालू जो है वो मांस भी खाता है, दूसरे जानवर का मांस भी खाता है, प्लस पेड़ पौधा से भी, पेड़ पौधा जो होता है वो भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। और क्या है? क्रो है, कौवा, डॉग, ह्यूमंस, हम लोग हैं, हम लोग भी क्या है ना, हम लोग भी ओमनीवोर्स हैं, हम लोग प्लांट भी खाते हैं, और हम लोग जैसे प्लांट्स के, हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, सारे प्लांट्स से ही मिलते हैं ना, फ्रूट्स हैं, ये सब खाते हैं, सब तो प्लांट्स से ही मिलते हैं, तो हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं, प्लस हम लोग मांस भी खाते हैं, मतलब चिकन, मटन, फिश, ये सारी चीज़ तो हम लोग खाते ही हैं, हम लोग प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग ओमनीवोर्स हो गए। तो आप लोग को याद रखना है कि ओमनीवोर्स मतलब कि जो वैसे एनिमल्स जो दोनों खाए, प्लांट भी खाए और एनिमल्स भी खाए, उनको क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स बोलेंगे। हर्बीवोर्स किसको बोलेंगे? हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और इसको एक और नाम से क्या बोलते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। कार्निवोर्स किसको बोलते हैं? कार्निवोर्स वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, और इनको एक और क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। और ओमनीवोर्स क्या होता है? ओमनीवोर्स होते हैं वैसे एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी एंड फ्लैश भी। ठीक है, इतना याद हो जाएगा, इतना रिविजन तो हो ही जाएगा, और ये तो आप लोग को पहले से ही पता था। नेक्स्ट है एस्केवेंजर्स। एस्केवेंजर्स किसको बोलते हैं? एस्केवेंजर्स वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो कि मरे हुए जानवर को खाते हैं, मतलब कि जो जानवर पहले से मर चुका है उसको खाते हैं, जैसे वल्चर है, गिद्ध। ये क्या होता है कि जो भी जानवर अगर डेथ कर गया, डेड एनिमल जो है उनको खाते हैं। अब लायन जो है, लायन डेड एनिमल्स को नहीं खाते, ये एनिमल्स को मार के फिर उसके बाद वो खाते हैं। और स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो मरे हुए जानवर को खाते हैं, तो जो जानवर मरे हुए जानवर को खाए उनको बोलते हैं एस्केवेंजर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्केवेंजर्स बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे अगर मान लो कि अगर कोई जानवर मर गया, जैसे कि अगर हम लोग रोड पर जाते हैं तो कभी कभी डॉग मर गया या फिर कुछ हो जाता है, कोई एनिमल्स मर चुका है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे वल्चर, गिद्ध वगैरह होते हैं, या फिर जंगल में देखा जाए तो जंगल में अगर कोई जानवर मर जाता है तो गिद्ध वगैरह क्या करते हैं ना, वो सारे एनिमल्स को खा लेते हैं। अब सोचो अगर कोई एनिमल डेड कर गया तो उसके ऊपर कितने जर्म्स होंगे ना, डेथ करने के बाद से उस पर कितने जर्म्स या फिर कितने कीड़े वगैरह उसके ऊपर आ जाएंगे, कितना स्मेल करता है ना, तो वो सारे स्मेल, अब इसको साफ कौन करेगा? तो ये जो एनिमल्स जो होते हैं ना, ये उनकी बॉडी को पूरा खा जाते हैं, जितना बॉडी पार्ट है वो सबको खा जाते हैं, और उस अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? क्लीन कर देते हैं। तो इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट को भी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ये सफाई का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है हमारे एनवायरनमेंट में, जो भी डेड एनिमल्स हैं उनको खा कर क्लीनिंग का काम करता है। तो एस्केवेंजर्स किसको बोलते हैं? एस्केवेंजर्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो कि क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स को। देखो यहाँ पर लिखा है एनिमल्स डैट ईट The flesh of dead animals are called scavengers. Animals जो क्या खाते हैं? Dead animals के flesh को खाते हैं, dead animals के मांस को खाते हैं, उसको बोलते हैं scavengers. They play a very important role in cleaning of the environment. ये बहुत ही important role play करते हैं किस चीज़ में? Environment को clean करने में, हमारा by eating dead animals in the surround. कैसे clean करते हैं? जो भी dead animals होते हैं उसको खा के। ठीक है, जैसे vultures है, hyena है, ये सब क्या है? Scavengers के example है। तो आप लोग herbivores के example याद कर लेंगे, herbivores और क्या बोलते हैं? Plant eating animals. Carnivores के और क्या बोलते हैं?
फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ओमनीवर्स किसको बोलते हैं, जो कि प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, और स्कैवेंजर्स किसको बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं डेड एनिमल्स के, मतलब जो मरे हुए जानवर को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलेक्ट द एनिमल्स विच इज रॉन्गली ग्रुप इन द फॉलोइंग, जो भी ये जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कैट डॉग स्पैरो टाइगर, तो आप लोगों को करना है कि इसमें से क्या ऑड है, जैसे इसमें जो भी है कोई फ्लैश ईटिंग है कोई प्लांट ईटिंग है, तो आप लोगों को करेक्ट करना है कि जो भी ऑड वन है, जैसे कैट है डॉग है टाइगर है, ठीक है, तो इसमें स्पैरो जो है स्पैरो ऑड वन है, प्लांट ईटिंग में आ गया, ये सारे फ्लैश के लिए दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं 1, 2, 3, कि जो भी ऑड वन है उसको आप लोगों को क्या करना है, उसको सर्कल करना है, जो भी एनिमल ऑड है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो उसके पास से जो हम पढ़ेंगे वो है हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स कैसे खाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब भी अभी जो भी पढ़ाया गया है उसको देख लेते हैं। हर्बीवोर्स के बारे में बताया गया, हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स मतलब जो कि फ्लैश खाते हैं, मींस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मांस खाने वाले को, और ओमनीवोर्स होता है जो कि बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं, और एस्कवेंजर्स किसको बोलते हैं, जो कि डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, मतलब डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट बुक ले लें, अपने पापा को अपने पेरेंट्स को बोल के, मम्मी को पापा को बोल के कि बुक फटाफट आप लोग ले लीजिए और बुक रीडिंग कीजिए, क्वेश्चन आंसर है, जो भी कुछ भी डाउट है आप लोग पूछिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप लोग पूछे, और क्वेश्चन आंसर भी जो भी इसमें दिया हुआ है बीच बीच में बनाने के लिए वो भी आप लोग बनाते रहे, ठीक है। चलिए फटाफट जितना जल्दी हो सके आप लोग बुक ले लें, ओके, थैंक यू।